अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी बेहतरीन एंटी हिस्टामिन रेमेडी पे। हिस्टामिन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है बॉडी में। ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये तब एक्शन में आता है जब आउटसाइड एलर्जीज, मतलब ऐसी चीज जिससे हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो, जैसे कि पोलन या खाने की चीजें या जानवरों के फर में मौजूद छोटे छोटे कीड़े, और बड़ी अनकंफर्टेबल से सिम्टम्स अपीयर होने लगती हैं, जैसे कि ही फीवर, नाक बहने लगती है, आंखों में खारिश होती है, पानी आता है, स्किन रैशेस आ जाते हैं, डर्मेटाइटिस, स्किन इंफ्लेमेशन, स्किन रेड हो जाती है, छींके आती हैं। क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है बॉडी में, तो बॉडी बहुत जल्दी थकने लगती है। सांस लेते वक्त लंग्स से आवाज आती है, क्योंकि लंग्स में मौजूद सांस की नालियां ब्रोंकियोल्स स्वेल कर जाती हैं। अब जितना ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होता है, इतना ही ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन, जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, वो एक्टिव हो जाता है। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन हिस्टामिन इफेक्ट को कम करता है। और अगर यहाँ किसी एड्रिनल फटीग, एड्रिनल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहे, नींद कम होने की वजह से, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, डाइट सही ना होने की वजह से, या कोई और अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से कम कॉर्टिसोल हार्मोन बन रहा है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा स्पेयर हो जाता है और कॉर्टिसोल इन हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इनके फंक्शंस को रोक नहीं पाता, जिसके नतीजे में हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है। तो मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ, जो जरूरत पड़ने पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इन हिस्टामिन सिम्टम्स को आप मिनिमाइज कर पाएंगे, और ये है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन पे बहुत डिटेल रिसर्च की गई है, उस स्टडीज के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। क्वर्सेटिन एक प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है, जो इन सेल्स के एक्शन को रोकता है जो हिस्टामिन बनाते हैं। क्योंकि क्वर्सेटिन एक प्लांट बेस्ड नेचुरल कंपाउंड है, इस नेचुरल कंपाउंड को आप डिफरेंट तरीकों से ले सकते हैं, जैसे कि प्याज और भिंडी, और फ्रूट्स में एप्पल और टोमेटो। आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं 400 से 600 mg, अपने वेट और एज के हिसाब से। और क्वर्सेटिन की हाफ लाइफ 2 घंटे की होती है। इसका मतलब है क्वर्सेटिन खाने के 2 घंटे के बाद इसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है, और जब तक आराम नहीं आता इसका लेवल बॉडी में कांस्टेंट होना चाहिए। तो हर 2 घंटे के बाद आप कुछ ऐसा खाएं जिसमें क्वर्सेटिन मौजूद हो। क्वर्सेटिन फैट सोलिबल होता है, इसका मतलब है कि अगर आप इसे फैट के साथ खाते हैं तो बॉडी में इसकी अब्सॉर्प्शन बेहतर होगी। आप यखनी बना सकते हैं गोश्त की, और यखनी में प्याज डाल लें। प्याज में भी क्वर्सेटिन प्रेजेंट है। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो मलाई के दूध के साथ लें, और थोड़ा सा फैट लें, ज्यादा फैट की जरूरत नहीं है। और अगर ये एलर्जिक रिएक्शन बहुत सीवियर है, तो कुछ और चीजें आप इसमें शामिल कर सकते हैं जो इसके इफेक्ट को बढ़ा देंगी, जैसे कि विटामिन डी टॉप ऑफ द लिस्ट है। 20,000 IU/day आप इसे इस्तेमाल करें। आप जिंक ले सकते हैं 50 mg/day। खाने की बात करें तो अंडों में, दूध में, बीफ में, इन सब में जिंक पाया जाता है। इन्हें डाइट का हिस्सा बना लें। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।